श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमको डारे बकाइल ममो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 27वें प्रकरण के अंतिम जो उपाय है ना, वही 28वें प्रकरण का पूरा भाव भी बताती है। ये प्रकरण 28वां भी 27वें की ही कंटिन्यूटी में है। परमधाम की संपत्ति जो ब्रह्मात्माओं को दी है तो उसके संदर्भ में है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो प्रेम प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षराते धाम धन्य ने हमें ज्ञान दे करके हमसे परम धाम और अपने स्वरूप का अंग प्रत्यंगों का वर्णन करवाया। तो ऐसा लगा कि वर्णन किया तो बड़ा अच्छा लगा, किंतु प्रेम कहीं चला गया हो ऐसा भी लगा। फिर आगे कहते हैं तो हमें लगा कि नहीं, उनके अंग प्रत्यंगों में भी प्रेम ही प्रेम दिखाई दिया, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है। तो ये भी कहना चाहते हैं, वर्णन कराया मुझ पे हके सब अपने अंग। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मेरे द्वारा अपने स्वरूप के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करवाया। सो विध विध विवेक सो सो गाया दिल रुअ संग। तो उसको मैंने विभिन्न प्रकार से गाया, विवेक से मतलब बहुत विचार करके, और आत्मा ने गाया और दिल से गाया। सो गाया दिल रुअ संग, दिल ने गाया और आत्मा के साथ मिल करके, क्योंकि आत्मा से ही दिखता है। जो जोरा होए इसका का तो निकसे ना मुखदम। तो यदि प्रेम का प्रवाह अधिक हो, प्रेम प्रबल हो, तो मुंह से कोई शब्द निकलते नहीं है। सो गाय के इश्क गमाइया जोरा कराया इल्म। तो हमने तो गा गा करके प्रेम को तो गंवा दिया, बोला दिया, और ज्ञान का ही ज्ञान की ही प्रबलता दिखा दी। तो ये कहना चाह रहे हैं, इल्म दिया याई वास्ते कहो जरा न रही सक। तो ये ज्ञान इसलिए दिया कि इसमें कोई संदेह रहे ही नहीं, लेस मात्र भी संदेह न रहे। अव्वल से आज दिन लगे ऐसा कराया है का। शुरू से लेकर के अभी तक, हमें तो बचपन से लेकर के अभी तक ये अपने लिए कह रहे हैं कि धामधनी ने तो हमसे प्रेम बढ़ने नहीं दिया, तो ज्ञान ही ज्ञान की बात करवाई। इसका हम से जुदा किया दिया दुनी को सुख कायम। तो हमसे प्रेम को तो अलग कर दिया और ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को अखंड सुख का लाभ पहुंचाया। वचन गवाए हम पे जो हमें सगी दायम। तो हमसे वो वचन गवाए, उन वचनों का गायन करवाया कि जो परमधाम कहें अथवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहें, वो हमेशा शाश्वत है। हमेशा सगी का अर्थ सदैव रहने वाले, शाश्वत। और दायम अखंड कायम, वो तो शाश्वत हैं, अखंड हैं। तो ऐसे स्वरूपों का वर्णन करवाया हमसे। नयन श्रवण या रसना जो अंग की वर्णन, अक्षराते दामदनी के स्वरूप के अंगों का वर्णन किया। तो उसमें नयन हो, श्रवण हो या रसना हो, जिन जिन अंगों का भी वर्णन किया, तीन इश्क देखाया हक का। तो उन्होंने
वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम को ही दिखाया है, प्रेम का ही अनुभव करवाया है। जिन जिन अंगों को भी हम देखने जाएंगे तो उसमें प्रेम ही दिखाई देगा, और देखा न या बिन, तो प्रेम के अतिरिक्त दूसरा तो कुछ दिखा भी नहीं। जो अंग देखे आखर लगा, तिने से देखे चौदह तब, जिन अंगों को हमने हम नखशिख पर्यंत उन अंगों को जिन आँखों से देखा, वो कहना चाह रहे हैं हाँ। जो अंग देखे आखर लग कि जिस दृष्टि ने नख शिख पर्यंत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन किए हों, उसी दृष्टि से तीन से देखे चौदह तब, उसी दृष्टि से चौदह लोक की दुनिया भी देखी, और काहो न देखा कछु ये बिना हक इश्क। तो ये देखने से पता चला कि सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही प्रेम दिखाई दिया, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ है नहीं ऐसा लगा। बुझी तुम्हारी साहिबी दिया सब अंगों इश्क दिखाए। अब धामधनी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे धामधनी, आपकी साहिबी, आपका प्रभुत्व, आपका ऐश्वर्य, तो ये सब हमने समझा, दिया सब अंगों इश्क दिखाए, रोम रोम में वो प्रेम को देखा, आपके रोम रोम में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम देखा, तो आपने ही ये सब दर्शन करवाया है। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया रहे चौदह तबक भराए, आपके एक एक अंग ने ऐसा आनंदित किया, इतना प्रेम दिया, तो वो प्रेम तो पूरे चौदह लोक में भरने लगे, तो भी वो सर्वत्र वो प्रेम ही प्रेम छा गया। इसलिए जहाँ देखते हैं आपका प्रेम ही दिखाई देता है, दुनिया दिखती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। रसनाए इसके देखाइया तीन भरिया जी में आसमान है, तो आपकी रसना से इतना प्रेम के दर्शन करवाए आपने, वो रसना से कुछ मीठी बातें कही तो वो सारी प्रेम से परिपूर्ण है, उससे पूरा भूमि से लेकर के आसमान तक प्रेम छाया हुआ है। इश्क बिना न पाइए बीच सकल जहान, तो इससे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, प्रेम ही सार है। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इल्म, आपने ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे आपके अंग प्रत्यंगों के दर्शन हो सके। हक इश्क सबों में पसरिया इश्क न जरा माहे हम, आपका प्रेम ही सर्वत्र छा गया, आपके अंग प्रत्यंगों का प्रेम तो वो पूरी दुनिया में सर्वत्र वही वही छाया हुआ है। इसका नजरा माए हम, किंतु हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही वो प्रेम नहीं है, ताकि हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो प्रेम होता तो हम बोल ही नहीं पाते, तो ऐसा उनको वो बताना चाह रहे हैं। प्रेम और ज्ञान में अंतर भी इस तरह से होता है। यूं हर अंगह कके सब सोए किए रोशन, आपके सारे अंग वो भी आपके प्रेम से ही प्रकाशित हुए हैं, आपके प्रेम के कारण ही हम देख पाए हैं उन अंगों को। सोए किए रोशन, सोए मतलब उससे उसी से वो प्रेम से प्रेम नहीं। आसमान जिमे के बीच में कछु देखा न इसके बिना, तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आसमान से लेकर के भूमि पर्यंत आपके प्रेम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं है। इसका हमारा हक सौ दिया हुक्म आड़ा पट, हमारा प्रेम आपके साथ है किंतु आपके आदेश ने एक अंतर आवरण बना दिया है, डाल दिया। हक का इसका हम सौ किया दुनिया में प्रकट, तो आवरण डाल करके दुनिया दिखाई, तो हम तो आपका प्रेम कितना बड़ा है कैसा महान है वो हम समझते नहीं थे, और आपने आवरण डाल करके दुनिया दिखाई और हमसे ही आपके प्रेम की बात कहलाई। हक का इश्क हमसों किया दुनिया में प्रकट, आपका प्रेम है वो आपने हमसे ही प्रकट करवा करके बता दिया, हमें समझाया तो हम समझ नहीं पाए, तो अब हमारे द्वारा ही दूसरे तरीके से आपने समझा दिया, ये कहना चाह रहे हैं।
यूँ हाशी हम पर करी बनाए, हमारे अकस हमारे प्रतिबिंब बना करके, हमारे स्वप्न का स्वरूप बना करके आपने हम पर हंसी की, उसके द्वारा आपको भुला करके फिर हमारे आपने हंसी की। इसके लिए आखाई चके होशी यही हाँसी बीच अरस, तो हमारे स्वप्न के स्वरूप बनाए और प्रेम को खींच लिया, तो प्रेम रहा ही नहीं, हम आपको भी भूल गए, सब कुछ अलग ही प्रकार का बना। तो इस प्रकार से आपने हमारी हंसी की है। हक फेर फेर ऊपर जगावही, बिना हुक्म न जागे अंदर। आप ऊपर से जगा रहे हैं किंतु जब तक आपका आदेश नहीं होगा तब तक अंदर से हम जाग नहीं रहे हैं। फिर फिर बड़ाई मांगे इत, बार बार हम दुनिया में बड़ाई मांगते हैं, दुनिया का ही महत्व चाहते हैं, दुनिया में आपको नहीं चाहते, हम दुनिया में कुछ न कुछ चाहते हैं। हक हंसी करे इन ऊपर, तो इस प्रकार हमारे प्रेम पर आप हंसी करेंगे, हमारी मांग पर अथवा जो भी हो। मांगे दुनी पे दुनी में हक लज्जत, शो भी बुजर की वास्ते, हमने दुनिया में बड़प्पन का स्वाद चाहा तो वो भी दुनिया के लिए ही है, और हमारी बुजुर्गी के हमारे अपने बड़ाई के लिए है। इल्म हुए यूँ बेशक एक जरा न दुनिया है, फिर आपके ज्ञान से, आपने ज्ञान दिया तारतम ज्ञान, इससे इतनी समझ हो गई कि दुनिया तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम दुनिया में ही अपने प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। यूँ जान मागे फना मिने लज्जत दुनी में हक, ये सब जानते हुए भी हम इस दुनिया में आपसे दुनिया का ही स्वाद चाह रहे हैं। यूँ हुकुम हाँसी करावही, दे अपना इलम बेशक, इस प्रकार अपना ज्ञान दे करके भी आपका आदेश से हमारे हंसी करवा रहा है। आप मगावे आप देवही, ए सब हाँसी को मगाने वाले भी आप हैं, हमें प्रेरणा दे करके मगवा रहे हैं हमसे, और देने वाले भी आप हैं, ये सब हंसी के लिए है। ए सब जाने मोमिन सक नहीं इनमो, तो इन इस रहस्य को आप ब्रह्मात्माएं तारतम ज्ञान के द्वारा भली भांति समझने लगे, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कईयों पहचान हो गई कईयों नहीं पहचान, दुनिया में अनेक लोगों को पहचान होती है आपकी और अनेकों को नहीं होती है। सो सब होता हंसी को करत आप सुभान, ये सब हंसी के लिए ही है, आप इस प्रकार की घटना हंसी के लिए घटवा रहे हैं। जब परमधाम में सब सब जागृत होंगे उस समय एक दूसरे को देख करके किसने कौन किस तरह से भूल गया है, दूसरों का भी देखेंगे अपना भी देखेंगे, और फिर उनको बड़े शर्म आएगी, इस प्रकार आप हंसी उनकी करेंगे। एक या वास्ते इसका बेवरे सो इसका न आया कि न, ये सब तो प्रेम के लिए किया था, प्रेम को समझाने के लिए, फिर भी हमारे अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ। कहूँ जोश जरा आया कहूँ जरा न किस तन, किसी को तो थोड़ा थोड़ा जोश आया कि हम परम धाम के हैं, ये थोड़ा ख्याल आया, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वास्ते रब्द इश्क के जो किया बीज खिलवाता, जो परम धाम में प्रेम की परिचर्चा हुई है उसके लिए ही। सो हुकुम आड़ा सब दिलो इसका न कहूँ आवत, तो उस आप अपना प्रेम समझाने के लिए अपने आदेश के माध्यम से हमें दुनिया दिखा रहे हैं, तो उसको व्यवधान रूप बना दिया, तो इसलिए हमारे से प्रेम प्रकट ही नहीं हो रहा है। इल्म दिया सबन को किया अरस दिल मोमिन, आपने सबको प्रेम के, आपने सबको ज्ञान दिया, और के ब्रह्मात्माओं के हृदय को धाम भी बना दिया। दूर कर सब हिजाब, सारे आवरणों को आपने दूर कर दिया। आप आए अरस दिल इन, तो इन ब्रह्मात्माओं के दिल में आप पधारे। पहचान सब अरसों की, अरसों बीच की हकीकत, सब धामों की पहचान करवाई, अक्षरधाम परम धाम
अरसों बीच के हकीकत अक्षरधाम परमधाम के अंदर के यथार्थता भी समझाई। सो जरा छिपी ना रखी शबद आई हक मार्फत, आपने तो पूरी पूरी पहचान करवा दी कि कोई वस्तु तो छिपने नहीं दी, सब स्पष्ट करके समझा दिया। पर इश्क न दिया आवने वास्ते रब्द के, फिर भी इतना सब होने पर भी प्रेम प्रकट होने नहीं दिया, क्योंकि तो प्रेम के विषय में ही तो हमने आपसे तर्क किए थे। हक आए इश्क क्यों ना आवहे, किया हुक्म है हसी कोये, आप जब आए हमारे दिल में तो प्रेम कैसे नहीं आता, प्रेम भी आ जाता, किंतु आपने हसी के लिए ही आप अपने हुक्म को आदेश दिया, तो उसके हिसाब से ये सब कार्य हुआ है। रूहों लज्जत मागी हक पे अरस की दुनिया माहे, तो ब्रह्म आत्माओं ने परमधाम में रहते हुए उसमें ये दुनिया का स्वाद लेने की बात कही, तो इल्म दिया समो अपना बिला बिना इल्म लज्जत नाही, इसलिए आपने यहाँ हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के बिना ये पता ही नहीं चलेगा। जो हक देवे इश्क तो इश्क देवे सब उड़ाए, यदि आप प्रेम देते तो प्रेम से तो सारी दुनिया ही उड़ जाती, कुछ दिखता ही नहीं। सुदन लेबे वार पार की देवे वाहे दत बीच डुबाए, तो प्रेम तो ऐसा करता कि अद्वैत में आपके चरणों में डुबाए रखता, आपके कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का पता ही नहीं होता, इसलिए आपने प्रेम ना दे करके ज्ञान दिया और ज्ञान के माध्यम से ये सारा समझा दिया, ये कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, देवे बाहे दत्त बीच डुबाए, जो हक देवे इश्क तो इश्क देवे सब उड़ाए, सुदना लेवे वार पार की, देवे वाहे दत्त बीच डुबाए, देवे वाहे दत्त बीच डुबाए।